जय भवानी, जय शिवाजी, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ये तो बीजेपी, इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं है और इनको एक ही वोट पर भरोसा है, क्योंकि केरल के वायनाड में मुस्लिम बाहुल मतदाता हैं, उनको भरोसा है। स्मृति ईरानी जितना बार गई हैं 5 साल में, उसका 1/4 भी गांधी परिवार अमेठी नहीं गया है। के कांग्रेस अब डूबती हुई नैया है। बिहार को एनडीए की सरकार ने जो दिया है, आरजेडी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। 15 साल में डेटा निकाल ले, बहस कर ले, विकास के बदले विनाश का काम किया था। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसे लेकर नेताओं के बीच गहमा गहमी तेज हो गई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए वहां से घोषणा किया गया है, जबकि अमेठी की जनता पर उनका भरोसा नहीं है। कांग्रेस डूबती हुई नाव है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जय भवानी जय शिवाजी के नारों पर, गिरिराज सिंह ने कहा कि उद्धव ठाकरे भटक गए हैं, उनको ये कहने का अधिकार नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला, कहा कि 15 साल में डाटा निकाल, बहस कर लें, विकास के बदले विनाश करने का काम आरजेडी ने किया है। 10 साल में जितना काम दिख रहा है वो एनडीए का है। देखिए, इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं है। जिस अमेठी की जनता ने इंदिरा गांधी के परिवार को सम्मान देने का काम किया, 5 साल इन्होंने अपने भाषण में सम्मान के बदले अमेठी को के जनता को अपमानित किया, और इनको एक ही वोट पर भरोसा है, क्योंकि केरल के वायनाड में मुस्लिम बाहुल मतदाता हैं, उनको भरोसा है, लेकिन अमेठी की जनता पे भरोसा नहीं है। और स्मृति ईरानी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जितना बार गई हैं 5 साल में, उसका 1/4 भी गांधी परिवार अमेठी नहीं गया है। तो अमेठी की जनता स्मृति जी को अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में मानता है, इसीलिए ये उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने नारा दिया कि प्रधानमंत्री ने जय बजरंगबली कहा है, तो महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी कर लोग वोट डाले। जय भवानी जय शिवाजी जय बजरंगबली जय श्री राम, ये तो बीजेपी का है ही। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग बाल ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर जा रहे हैं, उनको अधिकार कहाँ किस दिया कि वो जय भवानी को तो भूल करके वो दूसरा काम करने लगे हैं। के कांग्रेस अब डूबती हुई नैया है, तो डूबती हुई नैया पर कौन बैठेगा? सब भाग रहा है कांग्रेस से, चाहे वो महाराष्ट्र से 2 लोग भाग गए, हर जगह से भाग रहे हैं। इसलिए डूबती हुई नैया है कांग्रेस। पतवार जिनके हाथ में है उस पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के लोगों को। बिहार को एनडीए की सरकार ने जो दिया है, आरजेडी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। 15 साल में डेटा निकाल ले, बहस कर ले, विकास के बदले विनाश का काम किया था, उनको आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस एनडीए ने 5 साल में नहीं, 10 साल टोटल मिला लेंगे, तो जितना काम दिख रहा है वो एनडीए का ही है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की पार्टियां पूरे जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई हैं। तो वहीं बिहार में एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज रैली दिग्गज नेताओं के द्वारा की जा रही है। इन सब के बीच बिहार की जनता किसे अपना मत देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।